भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर पूरे देश में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन्हीं कार्यक्रमों की कड़ी में भिलाई जिला भाजपा मंत्री विजय जायसवाल के नेतृत्व में क्षेत्र के अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी के साथ मिलकर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में स्वास्थ्य लाभ ले रहे मरीजों को फल एवं मिष्ठान का वितरण किया। 17 सितंबर को जहां एक ओर विश्व शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है, तो वहीं दूसरी ओर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी इसी दिन मनाया जाता है और उनके समर्थक इस दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाना पसंद करते हैं। इसी अवसर पर भिलाई जिला मंत्री विजय जायसवाल के नेतृत्व में भिलाई जिला भाजपा के अन्य पदाधिकारियों ने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में पहुंचकर वहां स्वास्थ्य लाभ ले रहे मरीजों के साथ समय बिताया और उनका कुशलक्षेम पूछते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर फल एवं मिष्ठान का वितरण भी किया। इस आयोजन में महिला मोर्चा एवं युवा मोर्चा की टीम भी साथ में सम्मिलित रही। कार्यक्रम की जानकारी भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के मंत्री विजय जायसवाल ने मीडिया को दी। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता का आज यहाँ लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे जितने भी मरीज इलाजरत हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं, सभी को हम फल वितरण करेंगे, मिष्ठान वितरण करेंगे, साथ ही साथ हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना करते हैं। आप सभी को जैसे ज्ञात है कि आज भारत संपूर्ण विश्व में वैश्विक रूप के रूप में गुरु के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विगत 9 वर्ष के कार्यकाल में पूरे भारत ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। हर क्षेत्र में हम लगातार आगे बढ़ते रहे हैं। हर जन सामान्य के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लागू की है। आज हम हमारे राष्ट्र के निर्माता नरेंद्र मोदी जन्म बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ वैशाली नगर के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ मनाने के लिए एकत्रित हुए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का साफ कहना है कि जिस प्रकार विश्व शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने इस संसार की रचना की है, उसी प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक आधुनिक भारत का निर्माण कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।